तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कार सरदार चैनल में। मैं आपका होस्ट गोल्डी सिंह लेके आ गया हूँ आज एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑन व्हील एज़ुमिथ कंपनी के पास, जो कि आप पीछे देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कार्स बनाते हैं। आपको पूरी कार्स दिखाएंगे, बट फिलहाल एक सैंपल दिखा रहे हैं आज। ये जो बड़ी खूबसूरत सी कार्ट है रेड एंड वाइट कलर में, आपके लिए लेके आया हूँ मैं अपने चैनल पे। तो मिलवाते हैं कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर से, मिस्टर सुरेंद्र से। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो भाजी? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए। स्वस्थ हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बताइए अपनी कंपनी के बारे में सबसे पहले। तो कंपनी कितनी पुरानी है, कैसे काम करती है? हमारी कंपनी अप्रॉक्स 6 साल पुरानी है। वाओ। एंड हमने अभी तक बहुत सारे मल्टी बिजनेसेस किए हैं। ओके। ऑन व्हील्स हैं सारे, एंड ट्रेलर्स, कार्ट्स, फूड ट्रक्स, एंड आपके मोबाइल वैन्स, स्टोर्स, बहुत सारे। मतलब जो बंदा चाहे कि मुझे रोड पे शॉप चाहिए, ई शॉप चाहिए, बिजनेस ऑन रोड, तो आप उसको खुलवा देंगे? बिल्कुल खुलवा देंगे। आप बस हमारे पास आइए। हाँ। हम आपको आइडिया के साथ साथ सब कुछ देंगे। आइडिया आपका, क्रिएशन इनकी, हमारी। क्या बात है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पीछे आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत कार्ट है, तो सबसे पहले तो इस कार्ट के सिनेमेटिक एंजॉय करो। तो अब चलते हैं, बात करते हैं भैया से और इसकी डिटेल जानते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन है और क्या इसकी कॉस्ट आई है और इतनी लाइट है। ये आप देख रहे हो ना, ये भी लाइटिंग है दोस्तों इसके अंदर भी। तो इतने फंक्शन है इसमें, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं सुरेंद्र भाई से। तो कैमरा मैं पकड़ रहा हूँ और सुरेंद्र भाई बताएंगे इस कार्ट के बारे में। तो चलिए मैं आपको इसकी ब्यूटी और अच्छे से दिखाता हूँ, इसकी लाइट्स ऑन करके। वाह, इसका तो इंतज़ार था हमें सर। थैंक यू। वाह वाह वाह, ओ माई गॉड। तो दोस्तों देख रहे हो कि यार जबरदस्त लाइटिंग आ चुकी है, हर जगह पे लाइटिंग है। देखो, वाह जी वाह, ये लाइटिंग तो यार मतलब दिल मोह गई है। सुरेंद्र जी थोड़ा बताएं। ये लाइटिंग है बेसिकली, ये वाटरप्रूफ लाइटिंग है। ओके। एंड ये बिल्कुल हमारी इन कार्ट्स के या किसी भी जगह पे हम ये लगाते हैं तो ये इसकी ब्यूटी को बहुत इन्हेंस कर देती है। ओके। सो ठीक है, बाकी ये किस पर्पस के लिए बनी हुई है? ये एक्चुअली मोमोज काउंटर है। ओके। मोमोज काउंटर विद सम सब्जी वगैरह, उनको प्री कुक्ड बना के लेके आएंगे यहाँ पर और वो सर्व करेंगे। ओके। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे ये हमारा है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये है सर्विंग लेज। तो ये भी मैंने देखा कि एक ही बार में नीचे ऊपर हो जाता है। ये कोलेप्सिबल है। ओके। ओ माय गॉड, वाओ। और ऐसे ही ऊपर हो जाती है? ऐसे ही ऊपर हो जाता है, मतलब फिर कहीं से भी आप पुल कर सकते हैं इसको। वाओ, क्या बात है। और ये भी खुल जाता है आई थिंक इसका? हाँ, ये भी खुल जाता है। ऐसा है कि ये लॉक है यहाँ पे, ये एक टेबल बनता है। वाओ, ये एक अब आपका सर्विंग टेबल, एक्स्ट्रा स्पेस बन गया। यस यस यस, नीचे भी कुछ स्पेस है काउंटर की वजह से। नीचे ये स्पेस है फॉर, ये बैजिंग है भाई इनके कंपनी की, फॉर स्टोरेज। ओके। वाओ। सो अब यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने इसमें ना एक जैक लगाया है। ओके। जैक की वजह से हमने इसको मूवेबल बना दिया है। मैं ये सोच ही रहा था कि ये मूव कैसे होगा। हाँ, सो आपका ये जैक के साथ मूवेबल है बहुत अच्छी तरह से। तो ये लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है आई थिंक। हाँ, ये सारा ऑल अराउंड पूरे में लाइट लगा रखी है हमने। बताइए आप क्या बता रहे हैं। एंड ये एक ग्रिल है, ये ग्रिल है बेसिकली बर्नर्स को ऑक्सीजन के लिए। ओह वाओ। सो उसकी वजह से ना बर्नर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जलने में। टोटल कितने बर्नर्स हैं इसमें? ये 4 बर्नर्स हैं पाजी। ओके। 4 बर्नर्स हैं, ये यहाँ पे हमने सेल्फ लगाया है कस्टमर सर्विंग के लिए। ये ग्लास है, आपने तो यार इसमें संगमरमर भी लगा दिया है। ये हाँ, बिकॉज ये खाने के काम में बहुत ज्यादा यूज होना, मतलब ये तो लग रहा है कि जैसे अपने घर में किचन में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे फील आएगी, घर जैसा फील आना चाहिए आपके किसी भी बिजनेस में। हाँ जी, इनको ऑपरेट करने के लिए ये है सारा। इसको ऑपरेट करने, ये हॉट बीन मैरी है। अच्छा। ओ वाओ। एक्चुअली इसमें ना हम लोग वो डालते हैं सब्जियां, एंड इसमें पानी होगा। ओके। तो वो पानी पर जब आपकी सब्जियां गर्म होती हैं, जो बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो वो आपको खराब नहीं होती, वो जलती नहीं है। जलती नहीं
नीचे से, और ये चीज़ें भी काफ़ी लगाई हैं, थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये एक बेसिकली स्टोरेज है, स्टोरेज इन द सेंस कि उसमें कुछ भी वैसा सामान जैसे कि बॉटल्स हैं आपकी, जैसे कि टिशूज हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका मोबाइल है आपने रख दिया, वो थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें लगाई हैं आपने। ये सॉसेस की बॉटल्स हैं जो आप यहाँ पे मोमोज बनाएंगे, कोई भी सॉसेस निकाला यहाँ से रख दिया, यहाँ डाल दिया इस तरह। और ये भी एक शेल्फ है, ये भी बेसिकली वो वही है। और ये सारे स्विच आपका हैं, एक सॉकेट भी दिया है इसीलिए। वाओ, इसके ऊपर भी स्टोरेज है ये? हाँ, ओ वाह, क्या बात, कोल्ड स्टोरेज है हमारा थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, तो ये चारों तरफ से है क्या, आगे से पीछे से? नो, बिकॉज आपका हाथ जितना पहुंचेगा आप उतना ही स्टोर निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई के उतना ही रखा। ओ वाओ, तो काफी जे आप अपनी पैकिंग का सामान, ये भी है, ये भी है। ओ वाह जी, सो इसमें लॉक इसलिए दिया है, और दो में वो वाला है क्योंकि यहाँ पे आप अपना नीड वैसा एक्सपेंसिव भी रख सकते हो, तो इसलिए दिया है। और ये इनसाइड है, इसलिए शायद यहाँ हैच पे लाइट नहीं है इसके ऊपर। यस यस यस, ओके, बट अंदर लाइट बहुत अच्छी लग रही है यार, देखो दोस्तों हर तरफ से जो है कि बहुत खूबसूरत लाइट लगी हुई है। तो थोड़ा इधर से देखते हैं, हमारा इधर से भी एक स्टोरेज है। अच्छा, छोटा सा, बिकॉज आपको जितना स्टोरेज मिल जाए उतना कम है। ओह माय गॉड, तो यहाँ सिलेंडर रखने की जगह, ये सिलेंडर रखने की जगह है, एंड यहाँ पे ये हमने बैटरी का भी प्रोविजन। अच्छा, ये मैं वही सोच रहा था, ये जो लाइट्स है ओनली बैटरी से चल रही है? यस, ओनली बैटरी, ओनली बैटरी, ये बहुत बढ़िया। एंड ये इन्वर्टर चार्ज करने का झंझट, एंड ये आपका चलेगा एक बैटरी इस पर, एंड आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं उसके साथ, तो ये चलेगा कम से कम 7 घंटे चलाने का वो है चार्जर। ये बैटरी को डीसी से एसी करने के लिए कन्वर्टर लगा, वो डीसी से एसी करने। अच्छा, लाइट एसी वाली है? सब एसी है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो ये है दोस्तों कार्ट, और बहुत ही बढ़िया मतलब कार्ट है, आप देख लो दोबारा, इसका वॉकराउंड मैंने आपको दे दिया है। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे सबसे पहले तो लाइक कर देना, और अगर ये कार्ट आपको बनवानी हो सर किसी को, तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? ये हमारे बेसिकली हम लोग हमारा हेड ऑफिस है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, साइट 5 O20 कासना। सो कोई भी यहाँ पर आ सकता है, हमें कॉल पे कर सकता है, हमारा इंटरनेट पे है, सब कुछ अवेलेबल है। एंड हमारी दो वर्कशॉप और हैं, कोयम्बटूर एंड गोवा। ये आपकी वर्कशॉप है पूरी? ये हमारी वर्कशॉप है, हेड ऑफिस। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वर्कशॉप का भी, देखो आप पूरा नज़ारा कि बिल्कुल जो है कि ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, पूरा शेड लगा हुआ है अच्छे तरीके से चारों तरफ से, ये देखो आप। तो ये जो इनकी वर्कशॉप है ये है ग्रेटर नोएडा में जी। तो सर अब लास्ट जो वेट कर रहे हैं लोग इस खूबसूरत नगीने का जो आपने बनाया, प्राइस क्या होने वाला है? सर प्राइस हम आपको बताएंगे। और सर ये सारी स्टील की है या इसमें लोहा भी मिक्स है, थोड़ा यही बताओ। सर होता क्या है कि अगर आप सारा स्टील रखते हैं तो वेट एंड कॉस्ट बहुत हो जाता है। ओके, तो ये सुपर कार्ड्स हैं, मैं इनको सुपर कार्ड्स कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत कुछ कर सकते हैं आप छोटे से स्पेस में, एंड छोटे से स्पेस को हमको क्रिएट करने के लिए हमको बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं करना है। सो हम यूज़ करते हैं उसमें MS okay. बहुत सारी जगह पर। और इसकी जो फिनिशिंग है, ये लोहे की चादर है? या ये तो लोहे की चादर फिनिशिंग है इतनी प्यारी। ये मशीन है आपके पास? ये बिल्कुल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्कर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारी टीम है, वो इसको सबको फिनिश करके देती है। वेल्डिंग मशीन भी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हो जाती है। तो सुरेंद्र जी जी, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है हमारे दर्शकों की, जिसको ये कार्ड पसंद है वो लेना चाहेगा, या आपसे अपने मतलब जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाना चाहेगा, तो प्राइसिंग का थोड़ा हो जाए तो गोल्डी भाई जी हम आपको बताते हैं। हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं 1 लाख से। ओके, एंड अभी इसकी कीमत अगर पूछी जाए तो हम कहेंगे 1.5 लाख रुपए में आप इसको घर ले जाइए। तो इसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए में आपका काम देखिए, मैं देख रहा हूँ यार आपकी किचन ही बन गई है, पूरा संगमरमर का पत्थर ही लगा दिया है भाई। और कहीं भी इसको ले जा करके आप इस पर चाइनीज का अपना काम जो है कि खोल सकते हो, वो नीड के अकॉर्डिंग। गोल्डी भाई, नीड के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि बनाना क्या है इस पे, मैं उसी अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट करूंगा। तो अगर आपको थोड़ा मतलब कम बर्नर चाहिए, या मतलब ब्रैनबेरी नहीं चाहिए, एक चाय का ठेला ही लगाना है, या कुछ और करना, कुछ भी है, करना है, मतलब शूज बेचने हैं, मोबाइल का कुछ काम करना है, तो उसमें और कम चीजें लगेंगी। बहुत कुछ, तो बहुत कुछ, आप जो कह रहे हो सब कुछ 1 लाख रुपए से, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग है दोस्तों। उसके बाद जितना आप माल लगाना चाहोगे उतना मैं लगा दूंगा, उतना वो लगा देंगे, उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं एज अ मिथ बिजनेस ऑन व्हील्स ग्रेटर नोएडा में, इनकी पूरी फैक्ट्री आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे ऐसे नगीने लाते हैं, ऐसे ऐसे। सत श्री अकाल।